अगली खबर में बात करते हैं गया की, जहां जिला में जिस दिन से सरकार बदली है उसी दिन से भू माफिया के हौसले बुलंद हो गए हैं, तो अफसर और पुलिस निरंकुश हो गए हैं। ताजा मामला गया के बुलियन एसोसिएशन सचिव संजय कुमार बनरवाल और उनके भाई राजेश कुमार के साथ जबरन हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने के साथ अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, तो स्थानीय पुलिस माफियाओं के संरक्षण बनी हुई है, तो अंचलाधिकारी उनके तारणहार बने हुए हैं, जिसके कारण भू माफिया का हौसला बढ़ा हुआ है। जब संजय बनरवाल ने अपनी जमीन पर राजस्व कागजात लेकर गए तो उन्हें रोशन राज एवं उनके गुर्गो ने हथियार दिखाते हुए दौड़ाने लगा। वह किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए माफिया के चंगुल से भाग निकले। इससे पूर्व में भी मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देने का काम जारी रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन्हें किसी भी तरह का सुरक्षा नहीं दिया। इनके जमीन पर निर्माण कार्य रुकवाने के लिए धारा 144 वरीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी नतमस्तक हैं। अब अंचलाधिकारी बोध गया से संपर्क करना चाहते तो टालम टोल किया जा रहा है। दूसरी ओर संबंधित अधिकारियों के संरक्षण में ही गुंडा प्रवृत्ति एवं भू माफिया प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, जिससे आम नागरिक शहर में असुरक्षित महसूस करते हैं। जिसे मिला है आम नागरिकों की सुरक्षा करना, वही अधिकारी करवाते हैं गुंडागर्दी। मेरा नाम संजय कुमार है और मेरा भाई का नाम राजेश कुमार है। मेरा एक जमीन सेखवारा में नन्नी डेयरी के सामने है, तो मुझे किसी तरह से पता चला कि वहाँ पे काम चल रहा है, तो मैं अपने कागजात के साथ वहाँ पर गया था। तो जाने के पहले किन अधिकारियों को आवेदन दिए हैं? हाँ, मुझे बीच बीच में धमकी मिलते रहता है। एक रोशन राज का नाम का आदमी है, वो हमें बार बार धमकी देता है, फिरौती मांगता है। इसके खिलाफ मैंने एक मगध यूनिवर्सिटी थाना में, कोतवाली थाना में और SSP के यहाँ भी आवेदन दिया। करीब लगभग 3 महीने हो गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग पूरा परिवार दहशत में जी रहे हैं, और जब मुझे कल पता चला कि वहाँ पे काम चल रहा है तो मैं वहाँ पे अपने कागजात को लेकर गया। वहाँ पर 10-15 लोगों ने मुझे गाली गलौज देना चालू किया, और उसके बाद कुछ लोगों ने लाठी डंडा एवं बंदूक निकालते हुए हमें दौड़ाया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। मैं बहुत ही दहशत में हूँ, मेरा पूरा परिवार बहुत डर में है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बार बार थाना में SSP के यहाँ जा रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। 10 दिसंबर को जनता दरबार भी लगा था, जिसमें CO साहब ने काम पे दबंग लोगों द्वारा जो ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है उस पर रोक लगाने की अनुशंसा की थी, लेकिन थाने द्वारा इस पर कोई रोक नहीं लगाया जा रहा है। दबंग लोग अपना प्रभाव दिखाते हुए सभी लोगों को मिलाते हुए, थाना को अपने अंडर में करते हुए, उन लोग के मिली जुली साजिश करते हुए वहाँ पे लगातार काम चल रहा है। हम जिला प्रशासन से, थाना प्रभारी से आप बात किए हैं? हम थाना प्रभारी से बात किए लेकिन वहाँ पर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो कहते हैं कि हम अपना रिपोर्ट SDO साहब के यहाँ भेजेंगे, वहाँ से 144 रहेगा, तब हम काम रुकवाएंगे। लेकिन काम लगा हुआ है? क्या काम लगा हुआ है? काम वहाँ पे लगाए हुए हैं और उस पर कोई रोक नहीं लगाया जा रहा है। और SDO कोर्ट से मैंने 144 के लिए पिटीशन दिया करीब 24 नवंबर को, लेकिन वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं भेजा जा रहा है। सारा मिलीजुली उन लोग मिलीजुली रहने के कारण उधर से रिपोर्ट को देर किया जा रहा है और 144 नहीं लगने दिया जा रहा है। निर्माण कार्य अभी जारी है। मैं पता चला कि कल ढलाई हो रहा था, कल दिनांक 19 तारीख को, तो हम वहाँ पर गए तो हमें वहाँ पर लाठी डंडा एवं बंदूक दिखाकर गाली गलौज देते हुए भगाया गया। हम किसी तरह से वहाँ पर जान बचा के भागे हैं, और हम प्रशासन से बंदूक भी दिखाया गया। हमें अपने जान का सुरक्षा के लिए हम वहाँ पर से भागे हैं, और आपसे मीडिया प्रभारी से और सभी प्रशासन से दुहाई करते हैं कि हमें जान एवं माल की सुरक्षा दी जाए। मेरा नाम संजय कुमार, मेरे भाई का नाम राजेश कुमार, पिता स्वर्गीय सरजू प्रसाद, स्वराजपुरी रोड निवास गया।